हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। मेरा नाम है अभिषेक और भाई फाइनली आ चुके हैं एक तगड़े बैटरी ड्रेन टेस्ट के साथ में। अभी रिसेंटली आपको बताओ होगा मोटरोला H40 लॉन्च हुआ है और मेरे पास टेबल पे बहुत सारे स्मार्टफोन्स हैं इसके कॉम्पिटिटर्स, जिसके साथ हम बैटरी ड्रेन टेस्ट करने वाले हैं। और 9 स्मार्टफोन्स टेबल के ऊपर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यस भाई 9 स्मार्टफोन्स है हमारे पास में। और आपको पता है ये वाला वीडियो बनाने के लिए बहुत मेहनत लगती है, तो मैं आपसे सिर्फ एक ही चीज की रिक्वेस्ट करूंगा, वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ऐसी कमाल की वीडियोस देखने के लिए। फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस देखो, टेबल पे सारे स्मार्टफोन्स को हमने 100% चार्ज कर लिया है। तो गाइस देख सकते हो यहाँ पे काफी सारे स्मार्टफोन्स हैं, आईक्यू नियो 6, नियो 7, मोटो एच 40, रियलमी 10 प्रो प्लस, नथिंग फोन 1, वन प्लस 11R, रेडमी नोट 12 प्रो, पोको X5 प्रो और पोको F5। सभी स्मार्टफोन्स को सीधा कर लेते हैं। सभी स्मार्टफोन्स के अंदर 100% ब्राइटनेस हम रखने वाले हैं। सब स्मार्टफोन्स में सेम वाईफाई हो गया, सब में ब्लूटूथ और लोकेशन ऑन है। सारे स्मार्टफोन्स के अंदर ना हमने एकदम हाईएस्ट रिफ्रेश रेट यहाँ पे सेट किया हुआ है और मोटोरोला के अंदर तो 144 हर्ट्ज का पीओएलईडी डिस्प्ले में देखने के लिए मिलता है। सारे स्मार्टफोन्स में एकदम लेटेस्ट सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड है, वैसे सब में ना डार्क मोड भी हमने ऑन किया हुआ है। सभी स्मार्टफोन्स में यूट्यूब हम चलाने वाले हैं 2 घंटे के लिए। वॉल्यूम हम मैक्स रखने वाले हैं भाई। वैसे कि सारे स्मार्टफोन्स को ना हमने 100% चार्ज कर लिया था, मैं थोड़ा सा दिखाना भूल गया आपको, लेकिन आप देख सकते हो। फिर से YouTube ओपन कर लेते हैं। गाइस सारे स्मार्टफोन्स के अंदर ना YouTube चल रहा है और ये 2 घंटे चलने वाला है भाई। तो गाइस हमारी ना स्टॉप वॉच भाई डेड हो चुकी थी, तो हमने ना YouTube पे ही अभी 2 घंटे का ये प्लेबैक चला लिया है। तो भाई ये देख लो, 2 घंटे 12 मिनट यहाँ पे YouTube चल चुका है। मोटोरोला और IQ में मैं दिखा रहा हूँ, बाकी मैं इसलिए नहीं दिखा रहा क्योंकि ये Xiaomi के फोन्स ना एक्यूरेट नहीं दिखाते स्क्रीन टाइम। तो भाई सारे स्मार्टफोन्स ना ऑलमोस्ट बराबर चल रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा बैटरी भाई हमारे IQ न्यू 6 में है, क्योंकि स्नैपड्रैगन 870 भाई अपना जलवा दिखा रहा है यहाँ पे। उसके बाद न्यू 7 भी बहुत तगड़ी बैटरी यहाँ पे चल रही है। सारे स्मार्टफोन्स के अंदर ना एसवॉल्ट 9 में चलाने वाला हूँ, क्योंकि भाई BGMI ना बैन हो रखी है और बाहर वाली भी नहीं चल रही, और जो हमारी इंडिया वाली है वो तो चल ही नहीं रही भाई। जिन फोन्स में 60 FPS का सपोर्ट है उसमें 60 FPS पे चलेगी, जिसमें नहीं है भाई उसमें नहीं चलेगी। तो गाइस फाइनली यहाँ पे ना 1 घंटा हमने एसवॉल्ट 9 को चला लिया है। बैटरी परसेंटेज की बात करते तो IQ Neo 6 है यहाँ पे 70, ये 61 पे है, 58, 67, 56, 63, 69, 69, 71, क्या बात है भाई। रेडमी और पोको दोनों 69, 69 पे हैं। जो एसवॉल्ट 9 है वो 1 घंटे और चलने वाली है, क्योंकि 1 घंटे की गेमिंग हुई है और अच्छी खासी यहाँ पे बैटरी ड्रॉप कर चुके हैं सारे स्मार्टफोन्स। वैसे नथिंग फोन ना यार 50s में आ चुका है अभी। तो गाइस इस तरीके से मैं पिछले 1 घंटे से गेम्स को चला रहा हूँ और अगले 1 घंटे भी चलाने वाला हूँ। तो गाइस अभी 4 घंटे हो चुके हमारे बैटरी ड्रेन टेस्ट को। फाइनल बैटरी परसेंटेज की बात करें तो न्यू 6 49, 41, 38, 56, 33, 45, 56, 54, 58, सबसे ज्यादा भाई हमारा पोको F5 चल रहा है, 58% बैटरी पे है। तो गाइस 2 घंटे का YouTube प्लेबैक हो चुका है, 2 घंटे हम गेमिंग कर चुके हैं। तो गाइस फाइनली अभी 5 घंटे हो चुके हैं हमारे टेस्ट को, तो हमारे दोनों पोको और रेडमी भाई 50% के आसपास हैं और 5 घंटे हो चुके हैं, तो भाई क्या पता है 10 घंटे चल जाएं, देखते हैं भाई। वैसे ये दोनों भाई 30 पे आ चुके हैं, ये 20 के नीचे चले गया है नथिंग, और ये भी 30 पे ही है। तो भाई सारे स्मार्टफोन्स के अंदर ना मैंने कैमरा ओपन कर दिया है और सबके अंदर 4K 30 FPS में रियर फेसिंग कैमरा से वीडियो रिकॉर्डिंग होने वाली है और 1 घंटे तक हम ये करने वाले हैं, एंड उसके बाद देखेंगे वैसे टेम्परेचर्स कैसे रहने वाले हैं सभी स्मार्टफोन्स के। तो गाइस रियलमी ने ना काफ़ी ज़्यादा ब्राइटनेस अभी ड्रॉप कर ली थी, मैंने इसकी दोबारा से ब्राइटनेस इंक्रीज करी है, वैसे ब्राइटनेस का स्लाइडर उतना ही था। अब गाइस आप सोच रहे हो कि मैंने फोन्स को ऐसे क्यों रखा है, क्योंकि भाई ब्लैक स्क्रीन रहेगी ना तो ये बैटरी कम ड्रेन करेंगे, क्योंकि एमोलेड स्क्रीन है सारी स्मार्टफोन्स के अंदर, इसलिए भाई थोड़ा सा ऊपर करके रखा है।
भाई ये पोको, इस वाले पोको के अंदर ना कुछ दिक्कत है भाई। देखो अभी ये ना 10 सेकंड में रिकॉर्डिंग स्टॉप कर देगा और बार बार इसने स्टॉप की है। ये X5 प्रो है हमारा और मोटो में भी गलती से मेरे से स्टॉप हो गई थी। और मोटो में भी देखो भाई 38 मिनट की हमने रिकॉर्डिंग की है अभी अभी। मोटोरोला में वैसे 4% बैटरी और नथिंग आ गया 3% पे। एक बार सारे स्मार्टफोन्स के ना टेम्परेचर्स ले लेते हैं। IQ न्यू 6 चल रहा है 40 पे, न्यू 7 भी उतना ही है। तो मोटोरोला भाई थोड़ा सा ज्यादा हीट कर ही रहा है, आपको पता ही है, मैंने पहले भी नोटिस किया था, अपने रिव्यू में भी बताया था। 43 जा रहा है रियलमी, मीडियाटेक के मुझे थोड़ा सा ज्यादा हीट करते हैं। नथिंग 41 पे है प्लस, तो भाई साहब 44.3 जा रहा है। पोको देख लेते हैं तो 40 के आसपास है, ये 38.5 है और F5 तो भाई 37 के ही आसपास है। तो भाई मोटोरोला काफी हीट कर रहा है एंड वन प्लस भी अच्छा खासा हीट कर रहा है। तो गाइस जस्ट अभी अभी है ना हमारा मोटोरोला यहाँ पे डेड हो चुका है, 0% हो चुका है और नथिंग भी 1% पे है। तो गाइस जस्ट अभी अभी नथिंग फोन भी यहाँ पे डेड हो गया है, 558 पे डेड हुआ है। तो गाइस फाइनली 6 घंटे हो गए हैं सारे फोनों में ना रिकॉर्डिंग को स्टॉप कर देते हैं भाई। फाइनल बैटरी परसेंटेज की बात करते हैं तो ये आ चुका है 12.8, ये डेड हो गया, ये 22 है डेड हो गया, ये 4 पे है, ये 24, 26, 30। भाई साहब क्या फोन चल रहे हैं। तो गाइस अभी जो अपना टेस्ट है ना वो मतलब खत्म ही हो चुका है। तो अब क्या कर रहे हैं हम, तो गाइस दोबारा से ना हम यूट्यूब चला देंगे सारी फोन में। तो गाइस फाइनली भाई वन प्लस 1% पे था, अपडेट हुआ है आधे घंटे से भाई, ये वाला फोन ना 1% पे ही चल रहा है और इसको लगा कि भाई चलो डेड हो जाते हैं, अब बख्श देते हैं हमें। 636 पे डेड हुआ है। तो गाइस फाइनली हमारा IQ न्यू 7 भी यहाँ पे डेड हो गया है 711 पे और भाई ये भी ना 1% पे भाई कम से कम 20 मिनट से चल रहा होगा। तो भाई 7:26 हो रहे हैं और अपना IQ न्यू 6 भी डेड हो चुका है। तो गाइस फाइनली 8 घंटे हो गए हैं भाई टेस्ट और भाई इस बार पहली बार हुआ है कि मैं जगा हुआ, क्योंकि रात के 3:30 ही बजे हमने 6-7 बजे के आसपास टेस्ट को स्टार्ट कर दिया था। बैटरी परसेंटेज की बात करें तो भाई ये सब डेड हो चुके हैं फोन्स। रियलमी 10 प्रो प्लस है 9% पे, उसके बाद हमारा रेडमी का 12 प्रो है 9 पे, ये है 13% पे, 16% पे। तो भाई 2 घंटे का हमारा ना ये YouTube प्लेबैक हो गया है, अब इसको हम हटा लेते हैं। तो गाइस Asphalt 9 चला देते हैं सब में, Asphalt 9 का ही वैसे राउंड है भाई, वॉल्यूम ना हाफ की हुई है हमने। तो गाइस हमारा नोट 12 प्रो बस डेड हो गया खत्म, 8:40 पे भाई ये डेड हो चुका है। तो गाइस रियलमी 10 प्रो प्लस भी यहाँ पे डेड हो चुका है 8:48 पे। तो गाइस जस्ट अभी अभी यहाँ पे ना पोको X5 प्रो भी डेड हो गया है भाई कम्प्लीटली, 8:56 पे डेड हुआ है। तो गाइस फाइनली 9:14 होने वाले हैं और 11 सेकंड भाई अपना पोको F5 भी यहाँ पे डेड होने वाला है। और गाइस फाइनल जो हमारा विनर है वो पोको F5 ही है। तो गाइस फाइनली यहाँ पे सारे स्मार्टफोन्स डेड हो चुके हैं और भाई 9 hours 14 minutes लग गए भाई इस टेस्ट को सिर्फ रिकॉर्ड करने, उससे पहले सेटअप किया, अब उसके बाद भाई वीडियो एडिटिंग करनी है। तो भाई अगर आपको ये वाला वीडियो पसंद आएगा तो भाई प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, इस वीडियो पे एम करते हैं 100K लाइक्स का, तो प्लीज़ लाइक का बटन दबा दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार ऐसी कमाल की वीडियोज़ देखने के लिए। मैं मिलता हूं नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।